गाइस, तो पिछले एपिसोड में आपने देखा बालवीर को तिमनाशा और भैमार दोनों मिलकर एक साजिश में फंसा लेते हैं और विवान को काललोक में कैद कर लेते हैं। तो वही आज के कमिंग एपिसोड में आप देखेंगे, बालवीर को पता चल जाता है कि जो विवान मंत्र लेने की कोशिश कर रहा है वो असली विवान नहीं है और बालवीर नकली विवान से कहता है कि मैं तुम्हें व्यू लोक लेके जाता हूँ जहाँ मैं तुम्हें बहुत सारी शक्तियाँ देने वाला हूँ। तो वहीं तिमनाशा भी अदृश्य होके वीरलोक आ जाती है और तोबा तोबा और जब्दाली काल लोक में असली विवान का ध्यान रखते हैं, जो कि असली विवान को काल लोक में काल पिंजरे में तिमनाशा कैद कर लेती है। एक तरफ जहाँ शौर्य तिमनाशा का रूप लेकर काल लोक में जाकर विवान को मुक्त करा लेता है और एक तरफ बालवीर तिमनाशा से कल्प पुष्प छीन लेता है। उसी के कारण परिया तिमनाशा और बालवीर के बीच भयंकर युद्ध छेड़ जाता है। तो फ्रेंड्स, बालवीर अगले एपिसोड में परितारा को कल्प पुष्प अर्पित कर पाएगा या नहीं? सो गाइज, अगला एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि बालवीर से जुड़ी हर नई अपडेट सीधे आपको मिल सके। सो गाइज, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।